तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड टुडे आज की क्लास में जो है हम हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं जो कि 8 मार्क्स के जुड़े हैं, 4 टॉपिक्स जिनमें है क्लॉजेज है, प्रिपोजिशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कंजक्शंस हैं कुछ, उनको उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 टॉपिक्स हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट हुए थे, लेकिन जो 4 नंबर का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशंस, वो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया था। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में थोड़े क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू हम उनको डिस्कस करेंगे। और वैसे रूल्स मैंने आपको नोटबुक में मेंशन करवाए हुए हैं, तो जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस पे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि मैंने एक स्पेलिंग यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्री, जैसे कि प्रीपोजिशन की जो स्पेलिंग है PREPOSITION, तो मतलब पोजिशन यानी अपनी कंडीशन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसके टाइटल से ही प्रीपोजिशन का, पोजिशन का मतलब हो गया अपनी कंडीशन। एंड प्री, प्री यानी होता है पहले की, प्री यानी पहले की, प्रीवियस, प्री यानी प्रीवियस कंडीशन हमारी क्या है, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में हम किसी सेंटेंस को देखकर प्री कंडीशन यानी प्रीवियस कंडीशन लेने वाले कुछ वर्ड्स। और यदि हम शॉर्ट में बात करें कि प्रीपोजिशंस के अंदर क्या क्या आता है, तो प्रीपोजिशन के अंदर जैसे कुछ सिमिलर या फेमस वर्ड्स जैसे कि हम लिखते हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे एट है, ऑन है, ठीक है, या फिर आ गया कहीं बिटवीन आ गया, ठीक है, आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, ये जो सारी चीजें हैं, आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, या ऑफ आ गया, ऑफ कहाँ आ रहा है, तो ये जो है इनका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ओवर आ गया, ठीक है, या बिलो आ गया, अंडर आ गया, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कुछ इनसे रिलेटेड मैंने हालांकि आपको शॉर्ट में सब बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इनसे जो रूल्स रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास एनफ टाइम है और उस टाइम में हम इनका करेक्ट यूज सीखेंगे। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इन रूल्स को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, क्योंकि याद किया हुआ ज्यादा टाइम याद नहीं रहता, जबकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को या मैन को परफेक्ट बनाती है हर चीज में। तो कहा जाता है कि उसी सेंटेंस को यदि हम ध्यान में रखें तो जो एग्जाम्पल्स के थ्रू यदि हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए कुछ सेंटेंसेस मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी और आपको साथ में इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो समझाते हुए चलूंगी। तो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू थिंकिंग ऑफ, जैसे सेंटेंस आ गया मान लीजिए हु आर यू थिंकिंग, ठीक है, फिर यहाँ ब्लैंक दे दिया अगले ने। अब ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस मान लीजिए इस तरीके का आ गया, जैसे आ गया व्हाट आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग, ऐसे ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ गया व्हाट आर यू, सो व्हाट आर यू सो एंग्री, व्हाट आर यू सो एंग्री। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए आपके इस तरीके से आ गया है वेयर हैज द बस, वेयर हैज द बस कम, ये क्वेश्चंस कुछ मतलब ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में इनके, तो ये सेंटेंसेस मान लीजिए आ गए। तो जब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, वैसे तो जो हाफ ईयरली का पैटर्न आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपके ऑप्शंस आए हुए हैं, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो जैसे कि टू टू ऑप्शंस आपको मिले हैं, जैसे इस वाले में आपको मिल गया, फर्स्ट वाले में ऑफ मिल गया, ओ डबल एफ मिल गया, तो आप क्लियरली इसको मेंशन कर दोगे कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो आएगा। ऐसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग, अब इसमें जो है आपको प्रीपोजिशन मिल गई कुछ, जैसे अबाउट आ गया या फिर आपको मिल गई एट आ गया, तो आप इसमें भी फिल कर दोगे। ऐसे ही थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है हमारा व्हाट आर यू सो एंग्री, व्हाट आर यू सो एंग्री, मान लीजिए इसमें आपको ऑप्शंस मिल गए अलोंग मिल गया या फिर अबाउट मिल गया। और ऐसे ही फोर नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है उसमें मान लीजिए आपको मिल गया फोर मिल गया, फोर
फ्रॉम मिल गया, तो ये ऐसी कंडीशन में तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि आप इसमें करेक्ट जो प्रीपोजिशन है वो फिल कर दोगे। अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू थिंकिंग, तो अगर ऑप्शन आ गया तो आप इजीली कर दोगे कि ये वाला आएगा इसमें ओ एफ ओफ आएगा कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। ऐसे ही सेकेंड है वॉट आर यू लुकिंग, अब ये जो अगर ऑप्शन आ गया तो आप क्या कर दोगे इन दोनों में से एट आएगा, ये आपको पता चल जाएगा। ऐसे थर्ड का क्वेश्चन है वॉट आर यू सो एंग्री, तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा अबाउट आएगा। ऐसे ही फिफ्थ नंबर का फोर्थ का क्वेश्चन है वेयर हैज द बस कम फ्रॉम, आपको ये भी पता चल जाएगा फ्रॉम आएगा। वैसे तो मान अगर हम मान के चले तो इसी तरीके ऑप्शन आएंगे, टू आ जाएंगे या थ्री ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन यदि नहीं आए तो क्या होगा, ऑप्शन का ऑप्शन दे ही नहीं अगला तो क्या करोगे आप। तो कुछ रूल्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने होंगे। तो पहला रूल क्या है हमारा, रूल हमें कहता है कि यदि हमारा सेंटेंस जो है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना है, तो ये जो मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनके लास्ट में ही प्रीपोजिशन आएगी। पहला तो रूल ये हमें ध्यान रखना है, और दूसरा कि उस सेंटेंस का मीनिंग जो है डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं हु व्हाट वेयर व्हेन हूज व्होम व्हिच, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस आ रहा है, तो आपको लास्ट में पहला रूल तो ये कि लास्ट में प्रीपोजिशन आएगी वो। दूसरा ये कि आपको यानी पता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। ओ डबल एफ ऑफ हमें पता है ऑन ऑफ क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब गायब हो जाना बंद हो जाना एक तरीके से, और ऐसे ही अबाउट और एट, एट का यूज हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं, लेकिन एक जो हम फ्रेजल वर्ब का हमारा टॉपिक है तो उसमें यदि हम देखें तो लुक यदि प्रीपोजिशन की बात करें, वैसे है नहीं आपके लुक फ्रेजल वर्ब की बात करें, लुक एट, लुक एट का मतलब होता है कि ढूंढना, बड़े ध्यान से ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, तो यहाँ पे एट आएगा ना कि अबाउट। और थर्ड है व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, तुम किस चीज के बारे में इतने ज्यादा एंग्री हो, गुस्से वाले हो, तो यहाँ पे भी अबाउट आएगा। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है जैसे साथ साथ में चलना या बीच में या एक साथ जैसे साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं, तो उसके लिए यानी साथ साथ के या टुगेदर के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा है कि आपका ये जो फॉर और फ्रॉम, फॉर का हमें मतलब पता ही है कि जैसे टाइम से पहले जो है हम फ्रॉम का यूज करते हैं एज ए एडवर्ब, और ऐसे ही फ्रॉम का मतलब से के लिए किया जाता है, फ्रॉम जैसे कि दिल्ली टू फ्रॉम फ्रॉम झुंझुनू टू जयपुर, तो वहां हम टाइम के रिगार्डिंग में इसका यूज करते हैं, प्लेस के लिए एज ए प्लेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो हम इसमें आराम से फिल कर लेंगे। तो पहला रूल हमारा है डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड, यदि कोई सेंटेंस हो स्टार्टिंग हो रही हो उसकी तो लास्ट में प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी आएगी वो हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम इसको फिल कर लेंगे। ऐसे ही हम मान लीजिए आगे यदि हम बात करें और अगर प्रीपोजिशन के किस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो उसमें यदि हम देखें तो वहां जो है नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए हम इन पे डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ मतलब रूल ये है कि जो प्रीपोजिशंस हैं वो किससे पहले आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाउन है, अब नाउन जो है वो कई टाइप की होती है, जैसे कॉमन नाउन आ रही है मतलब, और मतलब कॉमन नाउन आ गई या फिर कलेक्टिव नाउन आ गई या फिर पर जो प्रॉपर नाउन आती है, तो ये जो नाउन्स हैं, नाउन होता क्या है एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि इस वर्ल्ड में इस यूनिवर्स में जितनी भी थिंग्स हैं, यानी जितनी भी थिंग्स हैं हर थिंग का कोई ना कोई नाम है, यानी जो कहने का मतलब है कि जो नेमिक नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिक वर्ड, नेमिक वर्ड यानी जिसका नाम है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस जो बिना नाम के बेनाम है, जो बेनाम है वो नाउन नहीं है, बाकी सभी नाउन आता है चाहे वो नाउन का कोई भी टाइप हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि नाउन जो होती है उसके जस्ट बाद क्या आती है वर्ब, मतलब जो प्रीपोजिशन है वो आती है। जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज ए बुक, जैसे सेंटेंस आ गया दिस इज ए बुक, ये मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया ग्रामर। अब इसमें दो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए एट आ गया या फिर ओन आ गया, तो फिल कर दोगे आप इजीली, या फिर एक ऑप्शन और आ गया आपका ऑफ आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारा सेंटेंस हमारा आ गया दिस ट्रेन, दिस ट्रेन
डी ई दिल्ली। अब यहां पे मान लीजिए टू आ गया, फ्रॉम आ गया, या एक थर्ड ऑप्शन आ गया आपका ऑफ आ गया, तो क्या फिल करोगे आप, कर सकते हो ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड सेंटेंस आ गया हमारा, स्कूल स्कूल बिगिंस, स्कूल बिगिंस 10 o'clock, ये सेंटेंस हमारा, इसमें ऑप्शन आ गया एट आ गया, ऑन आ गया, या फिर आ गया आपका फ्रॉम आ गया। अब बोलो ये जो थ्री सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनमें भी आप फिल कर सकते हैं। यानी रूल क्या है, जो नेमिक वर्ड्स होते हैं उनके जस्ट बाद क्या है एक मतलब प्रीपोजिशन आती है। अब कौन सी आएगी वो आप इजीली इनको कर सकते हो। यानी एट का यूज हम किसके, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे दिस इज ए बुक, आप देखिए इसमें क्या आएगा दिस इज ए बुक ग्रामर, ऑन ग्रामर या ऑफ ग्रामर या एट ग्रामर, ऑफ ग्रामर यानी ये क्या है ग्रामर की एक बुक है। तो इसमें ये जो मतलब बुक है ये क्या है, एक नाउन ही तो है, तो नाउन के जस्ट बाद क्या आएगा ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है दिस ट्रेन गोज, आप पता है ये ट्रेन जो है इसमें ये तो आया नहीं, फ्रॉम टू, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर या फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये चीज तो आई नहीं है इसमें। तो इसमें जो बचा है फ्रॉम तो आने का सवाल ही नहीं होता, इसमें हमें जनरल, एक जनरल हमें अवेयरनेस यदि हम बात करें तो इसमें सेंटेंस में हमें सीधा सा पता चल रहा है दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली, ये ट्रेन जो है दिल्ली जाती है, तो इसमें टू आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड है फ्रॉम और जो ऑफ है वो कैंसिल हो जाएंगे। फ्रॉम यानी फ्रॉम अगर लिखेंगे गोज फ्रॉम दिल्ली, गोज ऑफ दिल्ली, ये भी गलत है, तो आ जाएगा अपना टू दिल्ली। फिर ऐसे ही है स्कूल बिगिंस, अब देखिए इसमें देखिए टाइम जो है, टाइम का जो सेंस आ रहा है उससे जस्ट पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट आती है, तो हम एट फिल कर देंगे। स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, 10 बजे से स्कूल शुरू होती है। तो ये ऑन का यूज जो है वो और फ्रॉम का यूज दोनों इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो यदि आप मतलब प्रॉपरली आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करके या माइंड में थोड़ा लॉजिक रख के यदि आप इन सेंटेंसेस को, इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आप इजीली इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे प्रीपोजिशन के लिए, ये जो प्रीपोजिशंस आएंगी इनके बीच, और आप सही प्रीपोजिशन कर लेंगे। और ऐसे ही हाफ ईयरली एग्जाम में भी आप लोगों ने किया है, और लगभग हर बच्चे की ये जो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे और वो सारे करेक्ट थे सब बच्चों के लगभग। तो ऐसे ही मान लीजिए थर्ड रूल यदि हम देखें तो कुछ रूल्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि प्रैक्टिस से ही हम इन टॉपिक्स को क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में रूल्स तो लिखने ही नहीं है, मेंशन करने ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इनकी जो करेक्ट फॉर्म है एज ए अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उनको देखकर आप इनको इजिली कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे कि, जैसे सेंटेंस लिखिए दिस इज द हाउस आई टोल्ड, देखिए सेंटेंस है हमारा दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू। अब मान लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन आ गया आपका जैसे अलोंग, अबाउट, या फिर आ गया आपका बिटवीन, ये 3 ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं। तो आपको देखना है कि करेक्ट जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी आएगी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा यू रिमेम्बर द बॉय आई वॉज गोइंग आउट, यू रिमेम्बर द बॉय, यू रिमेम्बर द बॉय आई वॉज गोइंग आउट, आई वॉज गोइंग आउट। अब इसमें जो ऑप्शंस है उनमें देखिए क्या आ जाएगा, विदाउट एक भी प्रीपोजिशन है, ऐसे ही विद एक प्रीपोजिशन है, ऐसे ही मान लीजिए जो है अलोंग एक प्रीपोजिशन है, या आफ्टर मान लो, बिफोर मान लो, कुछ भी मान लो, ये जो मान लीजिए ऑप्शन आपके पास आ गया। ऐसे ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन सेंटेंस आपके पास आ गया दिस इज द सॉन्ग, this is the song that I am found, this is the song, this is the song that I am found of या from,
ठीक है, ऐसे ही फोर नंबर का सेंटेंस मान लीजिए आ गया, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु आई वॉज रेफरिंग, हु आई वॉज रेफरिंग, टी डब्ल्यू टू आ गया, टू आ गया, या फिर टी डब्ल्यू ओ टू आ गया। अब बताइए ये थ्री फोर सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जब आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे और आपके पास ऑप्शन रहेंगे, चाहे वो टू हो, टू ऑप्शंस हो, थ्री ऑप्शंस हो या फोर ऑप्शंस हो, तो आप इजीली सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा आंसर इसमें आएगा। पहला सेंटेंस, दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू, यानी यह वह हाउस है जिसके बारे में कि मैंने तुम्हें बताया था, जिसके बारे में, अगर बारे का सेंस हो कि इसके बारे में, तो मतलब यानी बिटवीन का मतलब हो गया बीच में, यानी ए मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये बीच में जो बैठा है, मान लीजिए यहाँ सी बैठा है, तो बीच में जो है वो क्या है, बी, तो ये जो बीच में बैठा हुआ दोनों के बीच, तो वो हो गया बिटवीन। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो बिटवीन आता है। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है ए बी एंड सी, तो यहाँ पे ये पास में बैठा हुआ है बिल्कुल, यानी इसके साथ साथ है, यानी ये तीनों अगर एक साथ बैठे हैं एज ए ग्रुप में, तो ये हो गया अलोंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलोंग। अब अबाउट, अबाउट यानी बारे में, अबाउट का मीन्स लगभग या बारे में, किसी के बारे में, तो आ गया दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, यह वह घर है, हाउस है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा यू रिमेम्बर द बॉय आई वॉज गोइंग आउट, यानी तुम्हें याद है, यू रिमेम्बर यानी तुम्हें याद है द बॉय, उस बॉय के बारे में, आई वॉज गोइंग आउट विदाउट, जिसके बिना मैं जा रही थी, या जिसके साथ में जा रही थी, या जिसके बाद में जा रही थी, तो जिसके साथ में जा रही थी, तुम्हें याद है वो बॉय जिसके साथ मैं बाहर जा रही थी, तो गोइंग आउट विद आएगा यहाँ पे, ना कि विदाउट आएगा, ना कि आफ्टर आएगा। ठीक है, ऐसे ही है थर्ड का सेंटेंस, दिस इज द सॉन्ग दैट आई एम फॉन्ड, आई एम फॉन्ड, इसके बाद आ जाएगा ऑफ, ऑफ यानी बिल्कुल हट जाना, रिमूव हो जाना, बंद कर देना, गायब हो जाना, और फ्रॉम यानी से, ठीक है, ऑफ यानी फॉन्ड ऑफ, देखिए आपको ध्यान हो तो फॉन्ड जो है, फॉन्ड ऑफ क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौक होना किसी चीज का, तो इसमें सीधा सा जाएगा दिस इज द सॉन्ग, यह वह सॉन्ग है दैट आई एम फॉन्ड ऑफ, जिसका कि मैं शौकीन हूँ, जिसका कि मुझे शौक है, इस सॉन्ग का शौक है मुझे, तो फॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, ओ एफ ऑफ आ जाएगा, तो थर्ड वाले में आ जाएगा ओ एफ ऑफ। फोर्थ है दिस इज द बॉय हु आई वॉज रेफरिंग, यानी यह वह बॉय है हु आई वॉज रेफरिंग, जिसके की, जिसको की मैं रेफर कर रही थी। ठीक है, तो टू, टू के बारे में मैंने आपको बताया, टू क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस ये देता है, जिसके बारे में भी, यानी टू, टू का यूज मैंने आपको कंजक्शन में, क्लोज में जब हम टॉपिक किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सो दैट को टू, टू में चेंज किया जाता है, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो कैंसिल है, तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, नोट का सेंस ही नहीं है इस सेंटेंस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा टी डब्ल्यू टू, टू का मतलब होता है नंबर में टू, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा टू, ये आएगा रेफरिंग टू, जिसके बारे में कि मैं तुम्हें बता रही थी, तो ये जो टू है वो यहाँ आएगा, तो ये आप इजीली ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन करें, जो भी जिस भी सेंटेंस को आप समझ रहे हैं सॉल्व करें, इसका थोड़ा सा लॉजिक अपने माइंड में मेंशन करते हुए चलिए, किस तरह का एग्जांपल अगर अदर आता है, इनको बार बार पढ़ें इन एग्जांपल्स को, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे और ये क्वेश्चन आपके सही हो। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने और डिस्कस किए हैं, अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे इस टॉपिक के बारे में, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है उसके बारे में, तो ये जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे। तो अगला जो सेंटेंस है वो लिखिए, कुछ सेंटेंसेस और लिखिए प्रीपोजिशन के बारे में, जैसे कि अगला लिखिए, जैसे सेंटेंस है हु इज इट, सेंटेंस अगला हु इज इट ब्लैंक, इसमें आ जाएगा फ्रॉम, फॉर,
या फिर ओ ऑफ ऑफ। सेकंड लिखिए एग्जांपल इसमें कि व्हाट इज सी या व्हाट वाज इट, या लिखो सीधा सा लिख लो व्हाट वाज इट ब्लैंक, फिर अलोंग बिटवीन या अबाउट। ठीक है, अब से थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखिए, फॉर हुम वॉज, इसको लिखिए और लिखिए अगला लिखिए द प्रॉब्लम, थर्ड नंबर का सेंटेंस लिखिए द प्रॉब्लम ब्लैंक विच आई कंसल्टेड यू हैज बीन सॉल्व, विच आई हैव कंसल्टेड हैव सॉल्व्ड। ये जो कुछ सेंटेंसेस है वो लिखे हैं मैंने, अब इसमें जो ऑप्शंस है वो लिखिए, इसमें लिखिए एक तो बी फॉर विदाउट अबाउट या टॉवर्ड्स, TOWARDS, ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, थ्री एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको आप पढ़ोगे सेंटेंसेस को देखोगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें देखिए सेंटेंस में हु इज इट, आप देखिए हु इज इट, मैंने बताया था डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो लास्ट में आपका क्या आता है जो प्रीपोजिशन है वो आती है, तो ये भी डब्ल्यू एच वर्ड ही है एक तो लास्ट में आएगी, हु इज इट फ्रॉम फॉर या ऑफ, हु इज इट फॉर आएगा इसमें, ठीक है हु इज इट फॉर ये किसके लिए है, ठीक है तो ये जो इट आ जाता है लास्ट में ब्लैंक से पहले इट आ जाता है तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर, हु इज इट फॉर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेकेंड है व्हाट वॉज इट, व्हाट फ्रॉम कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऑफ कैंसिल हो गया फोर आ गया, अब ऐसे ही व्हाट वाज इट यही डब्ल्यू एच वर्ड है लास्ट में जाएगी आपकी प्रीपोजिशन, तो हम करेंगे व्हाट वाज इट अलोंग, अभी मैंने बताया था ए और बी वाला, अगर कोई पास पास बैठा है तो अलोंग, लेकिन यदि थोड़ा गैप है तो वहां पे आ जाएगा बिटवीन, तो अलोंग कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें बीच की बात नहीं हो रही, बीच में बैठने की बात नहीं हो रही, ठीक है। ऐसे ही बिटवीन ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या अबाउट, तो आ जाएगा व्हाट वाज इट अबाउट, ये बात किस बारे में थी, अबाउट आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन है द प्रॉब्लम विच आई कंसल्टेड हैव सॉल्व्ड, यानी वो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने तुम्हारे से कंसल्ट किया था वो सॉल्व हो चुके हैं, तो इसमें भी देखो बी फोर रॉन्ग हो गया, विदाउट बिना ही, अबाउट अबाउट आ जाएगा इसमें, द प्रॉब्लम अबाउट विच, यानी वो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने तुमसे डिस्कस किया था कंसल्ट किया था वो सॉल्व हो चुकी है, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे अबाउट आ जाएगा, ना कि टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स का मतलब होता है आगे की ओर, यानी की ओर, आई वेंट टॉवर्ड्स टू माय होम, मैं अपने घर की तरफ गया, की तरफ का जो सेंस आता है वहां आता है टॉवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, यानी के बारे में, द प्रॉब्लम अबाउट विच, वो प्रॉब्लम जिसके बारे में कि मैंने तुमसे कंसल्ट किया था वो सॉल्व हो चुकी है, तो थोड़ा सा हमें अपना जो मतलब जो कॉमन सेंस है वो यूज में लेना है, और ये जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन का उसको हमें वेल एंड डू गुड हम कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से, तो अगले जो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड वो लिखिए सेंटेंसेस, तो अगला सेंटेंस है हमारा दिस इज द बॉय, अगला है This is the boy. This is the boy that I used. To be
इन लव विदाउट विद इन या विद, ये पहला सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस लिखिए इसमें, इट वॉज द बॉय, इट वॉज द बॉय हुम सी यूज्ड टू बी सी यूज्ड टू बी इन लव. आप इसमें जो है इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि यही जो प्रीपोजिशंस हैं, जैसे मैंने इसमें भी ये लिख दिया विदाउट विद इन या विद, क्या आएगी. तो ये जो सेंटेंस है आपको सेम लग रहे हैं बिल्कुल, तो ये सेम है सेंटेंस बिल्कुल. दिस चेंज कहाँ है वो हमें देखना है. इसमें ये जो है ना दैट, ये इसको या चाहे आप रिमूव कर दें, ये एज्यूम्ड है, ए डबल एस यू एम ई डी, एज्यूम्ड. ये एज्यूम्ड कंजक्शन लगाया हुआ है, इसको ब्रैकेट में डाल दो चाहे दैट को. तो ये जो मतलब इस टाइप के सेंटेंस है, देखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं. दिस इज द बॉय, मतलब ये एज्यूम्ड है कंजक्शन, एज्यूम्ड कंजक्शन है ये. एज्यूम्ड का मतलब होता है माना हुआ, सपोज किया है हमने. कंजक्शन सी एन जे यू एन सी टी आई, कंजक्शन है आई यूज टू बी इन लव. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि इनमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी. दोनों में कौन सी आएगी, विद आएगी, इसमें भी विद आएगी. लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंस जो हमें समझना है ऐसे सेंटेंसेज में, वो ये ध्यान रखना है कि ये जो मतलब हमारा ये जो कंजक्शन आता है, डब्ल्यू एच कंजक्शन आता है, मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि दैट है, हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ है, वेन वॉट हु वेयर विच हूज हुम, ये सारे क्या है, कंजक्शंस है, डब्ल्यू एच कंजक्शन, डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं. लेकिन ये सारे कंजक्शंस है, दैट और हाउ जो है ये भी एक डब्ल्यू एच वर्ड में आता है और ये भी कंजक्शन का काम करता है. तो ये जो कंजक्शंस हैं, चाहे वो एज्यूम्ड हो, ये जो कंजक्शन यदि आ जाए किसी सेंटेंस में, तो जो है विद प्रीपोजिशन ही आती है. तो हमें यहाँ क्या करना है, बीच में आ जाए तो विद प्रीपोजिशन आएगी. जैसे सेंटेंस से भी हमें कुछ सोचना है, जैसे इट वॉज द बॉय विद हुम सी यूज टू बी इन लव, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या जाएगा, विद, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक कंजक्शन है, डब्ल्यू एच कंजक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ विद लिख दिया. और दूसरा हमें मीनिंग से ही पता चल रहा है, विदाउट यानी बिना, यानी, और विद इन यानी यानी साथ में, और विद यानी साथ, ठीक है, विद इन यानी अंदर, और विद यानी हो गया यानी साथ में, ठीक है. तो बॉय विद हुम, तो ये एक फ्रेज बन रहा है, कौन सा फ्रेज, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले विद प्रीपोजिशन आएगी. ऐसे ही यहाँ पे ये जो है, ये जो दैट है, ये अगला एग्जामिनर लिख भी सकता है और इसको गायब भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है इसको. ये तो क्या है, अंडरस्टूड है ये दैट कंजक्शन, दिस इज द बॉय, ये हमें अपने आप मानना है. जो पढ़ने वाला है, रीडर है, वो अपने आप सोचेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, दैट कंजक्शन आना चाहिए, ठीक है. आई यूज टू बी इन लव, जब ऐसी सिचुएशन होगी, ये कंजक्शन यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ ही नहीं होता, सेंटेंस ऐसे ही होता सीधा, दिस इज द बॉय आई यूज टू बी इन लव, विद आएगा, विदाउट विद इन दोनों कैंसिल किया आएगा, विद दोनों का, हालांकि देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन जो सेंस है और प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सेम प्रीपोजिशन दोनों में आएगी. और वैसे भी कहा जाता है, एक जनरल लॉजिक बात है कि यानी ही और सी की बात हो, और किसके रिगार्डिंग में, लव से रिगार्डिंग में यदि कोई बात हो, तो वहां पे क्या आता है, विद प्रीपोजिशन आती है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, विद प्रीपोजिशन का ही यूज होगा, ना कि विद इन और विदाउट का यूज होगा. तो ये कुछ रूल्स मैंने आपको आपके साथ डिस्कस मैं कर रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इनको आप साथ में ही मेंशन करते चलें अपने माइंड में, अपने नोटबुक में या रफ नोटबुक जो भी आपके पास है उसमें आप लिखते हुए इनको चलें. अब नेक्स्ट है अपना कुछ अदर प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स, जिनमें की है पहला एग्जाम्पल मेंशन करिए, नोट करिए आप. जैसे आ गया इट इज लंच आवर,
अबाउट अलोंग टॉवर्ड्स बिटवीन कोई भी प्रीपोजिशन वो कितनी भी दे सकता है, आपका जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए, अगर है तो आप इजीली मेंशन कर देंगे और अभी बता सकते हैं साथ साथ में ही कि क्या आएगा यहाँ पर। ऐसे ही है सी कैम क्रिसमस, इसमें कुछ है आफ्टर बिफोर या प्रीवियस, प्रीवियस नहीं दूसरी वर्ड लिखो कोई, जैसे कि ओन, ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो ये जो दो क्वेश्चन सेंटेंस मैंने दिए हैं, ऐसे थर्ड सेंटेंस और लिख लो, ही लेफ्ट फाइव ओ क्लॉक। तो इसमें ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूं, जैसे कि अराउंड या अलोंग या फिर इसमें ले सकते हैं हम टॉवर्ड्स या फॉरवर्ड, कुछ भी लिख लो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सेंटेंसेस आ रहे हैं, इनमें भी हम जब हम इनको रीड करेंगे अंडरस्टूड करेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि इनमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो पहला है इट इज लंच और, पोजीशन बताई जा रही है कि इसमें ये जो है ये जो बात है वो लगभग लंच ओवर के आसपास की है। तो लंच ओवर के बीच की है नहीं, की तरफ की है नहीं, अलोंग की है नहीं, अबाउट, तो आ जाएगा इट इज अबाउट लंच ओवर, लगभग ये हमारे लंच का टाइम था। और ऐसे ही सी कैम क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस के बाद, क्रिसमस से पहले या क्रिसमस पर क्या आएगा। तो इसमें कोई भी आ सकता है, आपकी मर्जी, यानी वह आया क्रिसमस से पहले ही वह आई है, क्रिसमस के बाद आई। देखो एक कॉमन सेंस की बात है, इस सेंटेंस में आप कोई भी मतलब प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। सी कैम यानी वह आफ्टर लगाते हो तो इसका मतलब हो गया कि वह क्रिसमस के बाद आई मेरे पास, या फिर क्रिसमस से पहले आई, तो फेस्टिवल के पहले तो कौन किसी दूसरे के यहाँ जाता है, सोचता है कि भाई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर ले, उसके बाद 25 दिसंबर के बाद वो आई, पहले आई बाद आई, पहले आई पर आई, तो त्योहार पे हम किसी के घर जाते भी नहीं है, अपने घर ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे तो सुटेबल कौन सी लग रही है, आफ्टर लग रही है यहाँ पे। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। सी कैम आफ्टर क्रिसमस, वह क्रिसमस के बाद मेरे पास आई, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल के खुद के फेस्टिवल पर खुद के घर ही बहुत काम होता है, तो मतलब एज ए हम प्रिज्यूम करें तो इसमें आफ्टर आएगा। ऐसे ही है ही लेफ्ट 5 o'clock, वह 5 o'clock के लगभग वो यहाँ से चली गई, लगभग 5 o'clock हुए थे या उसके 5 o'clock के अराउंड उसके आस पास ही वो चली गई, तो इसमें अलोंग रोंग टॉवर्स रोंग क्या आएगा, अराउंड। तो ऐसे आपको ये जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं समझ रही हूँ कि आपको ये साथ साथ में समझ में आ रहे होंगे ये टॉपिक या ये जो क्वेश्चन सेंटेंसेस जो मैं लिख रही हूँ। सुमैया आपको समझ में आ रहे हैं बेटा? हेलो सुमैया, आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के? यस मैम। हाँ जी, तो आगे हम नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस पे और डिस्कस करते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक और भी क्लियर हो, स्ट्रांग हो, और उसके जो क्वेश्चंस आए वो हमारे रॉन्ग नहीं हो। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा वी प्ले क्रिकेट विंटर, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ लिख रही हूँ प्रीपोजिशन इन एट ऑन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस मान लीजिए हमने ये लिखा है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट अगस्त। अब इसमें मैं प्रीपोजिशन लिख रही हूं जैसे ऑन, इन या ऑफ,
फिल कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीपोजिशन का ये टॉपिक बहुत इजी आसान है काफी। और ऐसे ही है, सेंटेंस है कम हियर, कम हियर, ऑप्शंस है जैसे ऑन आ गया, इन आ गया, या फिर जो है ऑफ आ गया। फोर नंबर का क्वेश्चन सेंटेंस लिखिए, जैसे ही हैज बीन हियर, ही हैज बीन हियर मंडे। अब इसमें ऑप्शंस जैसे फॉर, सिंस, या फिर आ सकता है जैसे फ्रॉम। अगला एग्जांपल आप लिख सकते हो मंडे, मंडे के आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे लास्ट, या लास्ट मंडे, एक ही बात है। तो ये जो ना फोर मैंने सेंटेंसेस और लिखे हैं जिनसे कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड होगा। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है वी प्ले क्रिकेट। आप देखिए यहाँ थ्री ऑप्शंस आए हैं, इन है, एट है, ऑन है, तो आपको प्रिज्यूम करना है कि कौन सा आएगा। आपको, आप डेली यूज में इनका यूज भी करते हैं इन सेंटेंसेस का, इन प्रीपोजिशंस का। देखिए वी प्ले क्रिकेट इन विंटर, विंटर में खेलते हैं, एट विंटर या ऑन विंटर, दोनों ही रॉन्ग है बाकी के। तो इन आ जाएगा पहले वाले में कि हम विंटर में खेलते हैं क्रिकेट। ऐसा ही इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त, ना कि ऑन और ऑफ, दोनों ही रॉन्ग है। ऐसे ही थर्ड का है कम हियर, ऑन आएगा, इन और ऑफ रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि कम हियर ऑन 5th अप्रैल। तो कम यानी एक एक्स टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा कि 5th अप्रैल पर आना है, ना कि इन और ऑन, ठीक है, ऑफ। ऐसे ही फोर का है ही हैज बीन हियर मंडे लास्ट, या लास्ट मंडे, बात तो एक ही है, यानी लास्ट मंडे। जब अगले ने क्या कर दिया, हमें फिक्स टाइम दे दिया, तो फिक्स टाइम के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सिंस का, ना कि ये तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या जाता है, ये तो मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई मीन ही नहीं है, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली या दिल्ली टू जयपुर, तो वहां इसका यूज होते हैं। तो ये दो तो अपने आप ही कैंसिल हो गए। अगर यहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता, मतलब मंडे लास्ट की जगह, या हाँ यहाँ ये होता कि मतलब 2 weeks, 2 days, 3 days, 2 months, ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर लगाते, लेकिन यहाँ पे लास्ट मंडे या मंडे लास्ट फिक्स टाइम है। अब मंडे लास्ट का मतलब क्या, पिछला मंडे जो गया है उस मंडे से, ठीक है, फिक्स टाइम है ना। तो जहां फिक्स टाइम हो वहां सिंस प्रीपोजिशन आती है। जैसे कि हम टेंस जब पढ़ते हैं तो भी आपने पहले पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में कि सिंस और फोर जो दोनों का यूज है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सिंस का यूज जो है वो हम फिक्स टाइम होता है उसके पहले, उससे पहले करते हैं। जैसे कि मैंने ये कह दिया मंडे, ठीक है, जैसे 2 o'clock, ठीक है, ऐसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, ऐसे ही नून या आफ्टरनून। तो उससे पहले हम ये सारे क्या है अपने फिक्स टाइम है, और मंडे के आगे लास्ट लगा दिया या लास्ट में लास्ट लगा दिया, यानी पिछले मंडे से, ठीक है, तो ये फिक्स टाइम हो गया। इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 बजे से, या फिर फ्रॉम, सिंस, ये भी फिक्स हो गया कि मॉर्निंग कब होती है, इवनिंग कब होती है, नून का